हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं ऑल इन वन हेल्प। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत सरकार की ओर से एक योजना का आरंभ हुआ है। इस योजना के तहत बेरोज़गार युवाओं को स्किल ट्रेनिंग और जॉब दी जाएगी। तो दोस्तों, यह दीनदयाल अंत्योदय योजना है जो भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इस योजना में एक भी पैसे नहीं लगेंगे। तो दोस्तों, जितने भी युवा हैं जो बेरोज़गार हैं, वो जल्द से जल्द अप्लाई करें। तो आइए प्रोसेस को हम बताते हैं। उमंग ऐप है, इस ऐप की हेल्प से उस फॉर्म को आप बड़े ही आसानी से फिल कर सकते हैं। इस ऐप में आपको भारत सरकार की सभी सुविधाएं मिल जाएंगी, जैसे कि यहाँ से भारत सरकार की जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो आपको यहाँ मिलेगी, जो आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ से आपको आधार कार्ड, कोई भी नई योजना, आयुष्मान भारत, सारी जितनी भी नई योजनाएं हैं वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे, जिसके जरिए आप उस योजना का लाभ उठा सकते हैं। यहाँ से किसी भी योजना के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे ऐप रखने से बेहतर है कि आप एक ऐप को रखें जिसका नाम है उमंग। तो आइए आपको यहां से हम प्रोसेस बताते हैं योजना में कैसे हम रजिस्टर करेंगे। तो दोस्तों, यह है दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड्स मिशन। तो दोस्तों, यहां से हम रजिस्टर करेंगे, ट्रेनिंग के बारे में जानेंगे, ट्रेन लोकेशन के बारे में जानेंगे, अपने एप्लीकेशन के स्टेटस को चेक करेंगे और यहाँ से हम योजना के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ रजिस्टर फॉर ट्रेनिंग पे क्लिक करेंगे। तो हम रजिस्टर फॉर ट्रेनिंग पे क्लिक कर दिए हैं। उसके बाद हमें रजिस्टर फॉर न्यू ट्रेनिंग पर क्लिक करना है। अगर आप रजिस्टर्ड कर चुके हैं तो यहाँ आप अपडेट कर सकते हैं अपने फॉर्म को। तो हम यहाँ रजिस्टर फॉर न्यू ट्रेनिंग पे क्लिक करते हैं। यहाँ दोस्तों, आपको अपना पर्सनल डिटेल्स आपको यहाँ फिल करना है। यहाँ आपको अपना पर्सनल डिटेल्स को फिल करना है, जैसे कि आपका नाम, एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ मेंशन करना है। आप किस डिस्ट्रिक्ट से, किस स्टेट से, वो आपको यहाँ फुलफिल करना है। तो हम यहाँ अपने एड्रेस और अपनी डिटेल्स को फुलफिल कर लेते हैं। करने के बाद यहाँ हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। एक बार हम फिर से अपने डिटेल्स को देख लेते हैं, सही है या गलत। उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको अदर डिटेल्स दिख रही हैं। यहाँ पे आपको अपने आईडी कार्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन देना है। आपके पास पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, उसके बारे में आपको यहाँ देना है और उसका नंबर आपको यहाँ मेंशन करना है। तो दोस्तों, आप जैसे कि हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं, सर्च फॉर सेक्टर्स, आप किस सेक्टर में ट्रेनिंग लेना चाहते हैं या जॉब लेना चाहते हैं, आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जहाँ से आप अपने मन पसंदीदा स्किल को चूज़ करें और उस फील्ड में जॉब करें। यहाँ से आप अपने फील्ड को चूज़ कर लें। चूज़ करने के तो यहाँ बहुत सारे ही आपको ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ से आप कोई भी ऑप्शंस को चूज़ कर लेते हैं, यानी कि आप स्किल को चूज़ कर लेते हैं। तो हमने यहाँ सॉफ्ट स्किल्स को चूज़ किया है और न्यू स्किलिंग पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हमें शुरू से जानकारी चाहिए उस स्किल के बारे में। और यहाँ आपको कुछ पेपर डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, जैसे हायर एजुकेशन, आप अगर बीपीएल कार्ड में ऐड हैं तो आपको राशन कार्ड का नंबर और इमेज डालना होगा। तो यहाँ से हम चूज़ फॉर गैलरी कर लेते हैं और अलाउ करते हैं। तो यहाँ से हम हायर एजुकेशन का सर्टिफिकेट को यहाँ सबमिट कर देते हैं। उसके बाद एक बार हम इसे फिर से इस फॉर्म को देख लेते हैं और सबमिट कर देते हैं। यहाँ से आप अपने पर्सनल डिटेल्स को
सुधार भी सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। तो फिर यहाँ हम सबमिट पे क्लिक करेंगे, एक बार देख लेते हैं फॉर्म मेरा सही से फिल है या नहीं, फिर उसके बाद हम सबमिट पे क्लिक करते हैं। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको एप्लीकेशन आईडी मिल जाएगा, जिसे आप नोटबुक में नोट कर लें या उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने मोबाइल में सेव कर लें, ताकि आप अपने एप्लीकेशन के स्टेटस को चेक करते रहें। तो यहाँ से हम ट्रेनिंग सेंटर को देखेंगे। आप जिस डिस्ट्रिक्ट में इस फॉर्म को अप्लाई किए हैं उस डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ से आप पटना डिस्ट्रिक्ट से हैं तो पटना सेलेक्ट करेंगे, या अदर स्टेट से हैं तो यहाँ भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ बहुत सारे नीचे ट्रेनिंग सेंटर्स मिल जाएंगे, जो आपके नज़दीक होंगे या जहाँ आपको अच्छी सुविधाएं मिलेंगी वहाँ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ उनका कांटेक्ट नंबर यानी कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको दिया गया है, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। आप कॉल कर उन्हें बात कर सकते हैं। तो आपको यहाँ बहुत सारे स्किल्स सेंटर मिल जाएंगे, जो भी आपकी इच्छा हो, जहाँ आप स्किल सीखना चाहते हैं वहाँ जा सकते हैं। यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे स्किल सेंटर के। तो दोस्तों, अब हम अपने एप्लीकेशन के स्टेटस को चेक करने के बारे में बताते हैं, कैसे चेक करेंगे अपनी एप्लीकेशन के स्टेटस को। तो यहाँ ट्रैक स्टेटस पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन आईडी था, जो आपने नोटबुक में नोट किया था, उसे यहाँ फिल कर देना है। तो दोस्तों, हम अपने एप्लीकेशन आईडी को यहाँ फिल कर लेते हैं। फिल करने के बाद हम सबमिट करेंगे, हम देखेंगे हमारा अभी तक प्रोसेस में है या सक्सेसफुल हो चुका है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी तक हमारा स्टेटस जो है पेंडिंग दिखा रहा है। मैंने अभी जस्ट ही इस फॉर्म को अप्लाई किया है, इसलिए अभी पेंडिंग दिखा रहा है। कुछ समय के बाद इसे अप्रूव्ड हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप योजना के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके जरिए आपको आपके स्किल और ट्रेनिंग और जॉब भी मिल जाएगी बिल्कुल ही फ्री में। तो इसे जल्द से जल्द अप्लाई करें। और दोस्तों, हमारी एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक।